ये दोहरे मापदंड और ये दोगलापन नहीं चलेगा। को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को बर्बाद कर रहे हैं। वो एक कागज पकड़ा देते हैं उन्हें, वो हवाई जहाज में उसे पढ़ते जाते हैं, जब उतरते हैं तो कभी याद रह जाता कभी भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी को खुद ये सोचना है कि वो जो ये बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, और इस बोलने का अर्थ क्या है। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं, उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ है। राजस्थान में सूपड़ा साफ होगा। अशोक गहलोत जी ने तो सचिन पायलट जी को भी निकम्मा, नकारा, आवारा, क्या क्या नहीं कहा। अब अशोक गहलोत जी का दौर चला गया, अब अशोक गहलोत जी को ये सब छल फरेब षड्यंत्र की राजनीति छोड़ करके कहीं हिमालय में जाकर के साधना करनी चाहिए। कि भारत में एक न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमें सबको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो न्यायपालिका फैसला देगी वो सब इस देश के हित में होगा। जहां तक केजरीवाल जी का विषय, केजरीवाल जी बहुत समझदार नेता हैं और न्यायपालिका पर उनका पूरा विश्वास है, न्यायपालिका के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाकी तो हर सवाल पे उंगली उठती है, हर जवाब पे उंगली उठती है, लोकतंत्र है। अब कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं साहब ईवीएम का खेल है, तो अगर ईवीएम खराब है तो पहले कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, यूपीए को बहुमत मिला, तब ईवीएम ठीक थी। जब तेलंगाना में सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हिमाचल में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है, कर्नाटक में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है वो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये दोहरे मापदंड और ये दोगलापन नहीं चलेगा। यदि ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं है तो तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि अगर पेपर से अगर चुनाव होगा तो हालत खराब हो जाएगी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ईवीएम ठीक थी। जहां जहां बीजेपी के खिलाफ सरकारें बनी हैं वहां ईवीएम ठीक है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जब जीती तो ईवीएम ठीक हो गई। मुझे लगता है ये इन लोगों का देश के लोकतंत्र पर भी भरोसा नहीं है, देश की न्यायपालिकों पर, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें अपने आप पर भी भरोसा नहीं है।
देखिए, जो पैसा नंबर एक में दिया जाता है, चाहे वो किसी को कर्ज दिया गया हो चाहे किसी को दान दिया गया हो, उसमें तो छुपाने की कोई बात ही नहीं है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, इंटरनेट पे है। अदालत मांग रही है, बैंक ने उसकी पूरी लिस्ट दे दी है, और भी दे देंगे, इसमें तो कोई मुद्दा बनाने का कोई सवाल नहीं उठता। खुला खेल फरुखाबादी है, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष के नेता हल्ला मचाना चाहते हैं तो मचाएं। इनका एक मात्र उद्देश्य है, वन पॉइंट प्रोग्राम है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए, मोदी के दामन को कैसे गंदा किया जाए। ये सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं, और जितना ये मोदी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, कमल खिलता रहता है। यही पिछले 10 सालों से हो रहा है, और मुझे लग रहा है यही अगले 10 सालों 20 सालों तक होता रहेगा। से सवाल करिए कि अगर ईवीएम गलत है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, तेलंगाना की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, केरल की सरकार इस्तीफा क्यों नहीं देती? अब जब हमारी सरकार बने तो ईवीएम ठीक, हम हार जाएं तो ईवीएम गलत। ये दोहरी बातें नहीं चलेंगी, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। विपक्ष के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या इस देश में न्यायपालिका नहीं है? तो कुछ तो भरोसा करें। विपक्ष के सारे नेता, ये बड़ा लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि सारे के सारे नेता राहुल गांधी जी की तरह बात करने लगे। देखिए, राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को बर्बाद कर रहे हैं। वो एक कागज पकड़ा देते हैं उन्हें, वो हवाई जहाज में उसे पढ़ते जाते हैं, जब उतरते हैं तो कभी याद रह जाता कभी भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी को खुद ये सोचना है कि वो जो ये बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, और इस बोलने का अर्थ क्या है। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं? उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? तो एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं।